बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, हर चोट लग के टक्कर में, कच्ची शराब बंद करो। मुजफ्फरनगर में जो अगर देखा जाए जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे क्राइम बहुत है, अपराध बहुत है, यहाँ पर महिलाओं के ऊपर हिंसा बहुत है, मर्दानगी का जो एक रुतबा होता है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कायम करने के लिए पुरुष किसी हद तक भी जा सकता है। तो पुरका जी उसी का एक ब्लॉक है, यहाँ पर काफ़ी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ पर पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम महिलाएं अपनी बात नहीं कह सकती, पर्दे से बाहर नहीं आ सकती हैं, डॉक्टर तक नहीं जा सकती हैं, वहाँ दलित महिलाएं वोट डालने नहीं जा सकती हैं, यहाँ पर जातिगत हिंसा का बहुत दबदबा है, जातिगत पंचायतें होती हैं उसी में सब फैसले होते हैं, कानून को एक तरफ रखकर जातिगत पंचायत जो है मौत का फरमान तक सुना देती है, सारे फैसले जो हैं संविधान से ऊपर ही हो जाते हैं, पुलिस देखती रहती है, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती और पुलिस की भी बहुत ज़्यादा शय होती है। अगर कोई लड़का या लड़की किसी में अफेयर है या कोई संबंध है या कोई प्यार और उसका ज़रा सा भी माँ बाप को या पड़ोसी को या किसी रिश्तेदार को पता लग जाता है तो वो सीधा पंचायत बैठती है, पंचायत में बुला के या तो गोली मार देंगे या हाथ पैर बांध के पेड़ पे लटका देंगे, चाकू मार देंगे, बल्लम मार देंगे। अभी 10 दिन पहले की घटना बता रही हूँ मैं, यहाँ से 10 किलोमीटर गांव है छपार, तो छपार में एक फौजी ने अपनी लड़की को सिर्फ इसलिए गोली से मार दिया रात को कि वो एक अपने पड़ोस के लड़के से प्यार करती थी, और मारने के बाद उसको रातों रात खेत में जला दिया और बारिश हो गई, तो बारिश होने की वजह से कुछ जली वो कुछ नहीं जली, उठा के उसको फिर जो हड्डियाँ बची उसकी उसको खेत में दबा के, और अभी कांवड़ भरने जाते हैं शिव जी की ना, तो कांवड़ लेने चला गया, FIR तक दर्ज नहीं हुआ उस फौजी की लड़की का। अभी उसमें CO का कहना तो है कि लड़की फौजी ने मारी है, लेकिन SO का कहना है लड़की अपने आप मरी है। प्रेमी युगल के नाम पे तो चाहे कोई किसकी कितनी अजीज़ बेटी है या बेटा है मार दे, बल्कि बेटे को तो छोड़ भी देते हैं पर बेटी को तो मार ही देते हैं जान से, और ऐसे केस कम से कम भी अखबार में हर रोज का है। चैन गैरों की दुनिया में मिलता नहीं, चैन गैरों की दुनिया में मिलता नहीं, अपनी दुनिया बनाने का वादा करें। जब मुसलमान औरत और औरतों के साथ एक रफ्तार में बढ़ना चाहती है, उसके हक और उसके हकूक़ की बात तो जब भी उठी है तभी कोई दंगा फसाद या कोई और मुश्किलें आई और उसको कह दिया गया कि अभी तुम चुप रहो, तुम्हारा वक्त नहीं है और अभी तुम ये बेफिजूल की बातें औरतें उठाती रहती हैं, अभी हमें जान बचाना मुश्किल है, कि अब ये देखो, अब आप ये समझो कि हम कितना किस तरीके से पिसते हैं। हमारे ऊपर कोई जुल्म हुआ, हम अपने सरकार के पास गए, कहा कि देखिए ये आपका अपना पर्सनल लॉ की बात है, ये आपका अपना मामला है,
आप अपने लोगों के पास जाइए। जब हम अपने लोगों के पास जाने की बात करते हैं तो अपने वो लोग कौन, वोट दे के सरकार तो तुम्हें चुना हमने, लोग तुम हमारे हो, और हम फिर उन लोगों के पास जाने को मजबूर हों जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें फतवे से दबाया जा रहा है, हमें धर्म से दबाया जा रहा है, हमें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, हमें मजहबी आड़ में पीसा जा रहा है। फिर हम मजबूर होते हैं उन्हीं लोगों के पास वापस दोबारा आने के लिए, और हम फिर उनके कदमों में गिरते हैं जिनसे हम संघर्ष करते हैं। आग अपने ही आंगन की झुलसाए हैं, अब नए घर बनाने का वादा करें। आग अपने ही आंगन की झुलसाए हैं, अब नए घर बनाने का वादा करें। परंतु इनके अनेक छोटे छोटे सागे होती है, इनके तने बहुत पतले होते हैं। कुछ बचपन तो इस तरीके से गुजरा कि बहुत जैसे बच्चे का गुजरना चाहिए, बहुत खुशियों के साथ और अपने माँ के साथ बाप के साथ, उन सारी चीज़ों में कुछ अड़चनें आई। बचपन बहुत अभाव में बीता, गरीबी में बीता, प्यार से वंचित रहा बचपन। शादी बचपन का हिस्सा रही और मुझे लगा कि मैं, मेरे जो बच्चे हुए वो भी मेरे बचपन और किशोर अवस्था के ही बच्चे हैं। जब मैं होश हवास में आई और एक औरत होने का एहसास जब मुझे हुआ, तब मैं 5 बच्चों की माँ थी। और शायद यही वजह रही कि बहुत सारी चीज़ें मन में उनका एहसास होता था, लेकिन ये कहीं व्यक्त कर सकते हैं या कहीं बोली जा सकती हैं या ये किसी को सुनाई भी जा सकती हैं, ऐसा कुछ ना तो कोई मंच था, ना कोई जगह थी और ना लगता था कि ये सुनाने वाली चीज़ है। तो उस समय दिशा में कुछ महिलाओं को ढूंढा जा रहा था, तो कोई भी दिशा में जाने के लिए उस समय तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत, आज से 20-21 साल पहले, बहुत पर्दादारी भी थी और कोई संस्था नाम की चीज़ को कोई जानता नहीं था। आज एनजीओ का बहुत प्रचलन है, लेकिन जब संस्थाएं थी नहीं। फिर एक बार दिल्ली से कुछ महिलाएँ आई इंटरव्यू के लिए, जिनको मैं आज बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और उनके साथ हूँ मैं, वो आई इंटरव्यू के लिए, तो मुझे फिर लेने तिवारी जी घर आए, बोले तुम चलो तो सही ना। फिर भी मैं चली गई, लेकिन वहाँ से भाग गई। फिर घर लेने आए, फिर मुझे लेके गए दोबारा। जब मैं बैठी थी, मेरी टांगे ऐसे ऐसे थर 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 कांप रही थी महिलाओं के सामने भी। उन्होंने कहा अच्छा, अगर तुम थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती हो। सबने बोला हाँ हाँ हाँ, तो मुझसे बोला, मैंने कहा जी जानती हूँ पर इतना तो नहीं जानती हूँ। कहा जितना भी जानती हो तुम एक चिट्ठी लिखो अपनी किसी सहेली को, अलग अलग बैठा दिए जैसे एग्ज़ाम के लिए बिठाते हैं। मैंने लिखा वो अपनी एक फ्रेंड को खत, और शायद मैं वो सब लिख दिया उसमें जो मैं कभी उनको हरफों में, अक्षरों में, शब्दों में नहीं बांध सकी थी। लेकिन जब मैंने वो ख़त लिखा तो मैं खुद ख़त लिखते लिखते रोने लगी। उन्होंने कहा तुम बहुत काबिल हो, इतना कौन लिख पाता सच्चाई से अपनी बात को जितना तुमने लिखा। तुम बहुत काबिल हो, मुझे पहली बार पता लगा कि मैं काबिल हूँ। और फिर मैंने उस काबिलियत की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर और मैं जुड़ती चली गई। और मैंने बहुत फिर काम किया, दिशा में रह के ट्रेनिंग हुई, मौका मिला। कहा कि मैं
खुद ही इज्जत नहीं देती थी, इसलिए शायद लोग मुझे इज्जत नहीं देते थे। मैंने खुद को इज्जत देना शुरू किया, मैंने अपने आप को बहुत सम्मान दिया अपने आप से। जब हम लोग महिला हिंसा के मुद्दे पे पश्चिम यूपी में काम करते हैं और बहुत व्यापकता में जाते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, ख़ासतौर पे जब हमने अखबार की प्रोफाइल बनानी शुरू करी तो सबसे ज़्यादा केस मुजफ्फरनगर में महिला हिंसा के होते थे। एक तो ये दिमाग में था कि कभी ना कभी मुजफ्फरनगर में काम करना है और वहाँ शुरुआत करनी है, तो क्यों ना यहाँ एक नया ये भी सिलसिला शुरू हो कि महिला जागरूक हों और वो अपनी बात कहें, अपनी बात कहने की उनके अंदर हिम्मत आए, ताकत आए, इसलिए एक शुरुआत यहाँ पर अस्तित्व के नाम से बना के एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। समाज में जो हम महिलाएं हैं, हमारी अपनी पहचान है या नहीं है, कभी सोचा है इस बारे में? पीहर में तो माँ बाप के साथ पहचान है और ससुराल में ससुराल वालों के साथ पहचान है, तो क्या जो हमें भगवान ने बनाया, हमारा अपना कोई वजूद, अपना कोई अस्तित्व, अपनी कोई पहचान है या नहीं है? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये कार्ड दे रहे ही ना, देख के आप बताओ इसमें क्या हो रहा है। आप चार तो इसे देखेंगे कार्ड को, चार जने बीच में रख लो और देख के बताओ क्या हो रहा है, और पहले अपने दिमाग में रख लो, फिर एक एक करके चर्चा करिए। लो तो दहेज के बिना कितनी सारी लड़कियों की शादियां रुक जाती है, और जो होती भी है तो दहेज के लिए मार दी जाती है। ये क्या है? अन्याय। ये क्या है? भेदभाव। इस पंचायत में औरतों का मुंह बंद कर दिया, और ये ग्राम पंचायत भी हो सकती है, और आजकल ग्राम पंचायत में 3 प्रतिनिधि औरतें होती हैं, वहाँ जब औरतें बोलती हैं तब भी उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो ये क्या है? राजनीतिक अधिकारों का हनन। हमारा भी राजनीति में हिस्सा है, लेकिन हमारा हिस्सा मार दिया जाता है, हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। कैसी हो रही है? कैसे नहीं खेल रही थी, तब मेरे मुस्लिम बैकग्राउंड है, मेरे परिवार में पर्दा है, मेरे परिवार में पर्दे से बाहर कोई आ नहीं सकता, मेरे परिवार में मर्द के सामने कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे मजहब और मेरे धर्म के लोगों ने ऐसा ही एक दकियानुसी एक बहुत बड़ी मंजिल खड़ी कर रखी है सामने। मेरी लड़ाई इस तरीके से हुई कि उधर तो मैंने पर्दा छोड़ा तो मेरा अपना परिवार मेरे खिलाफ आ गया, उधर मेरा मुस्लिम समाज मेरे खिलाफ आ गया। तब ईद आ गई तो मेरे पापा रमज़ान में जब नमाज़ पढ़ने गए, एक ईद से पहले रमज़ान होता तो उनको मस्जिद से निकाल दिया, जाओ तुम्हारी लड़की तो बहुत आवारा है, वो तो बुरका भी छोड़ चुकी है, तुम यहाँ क्या करना है, और धक्का दिया मस्जिद से, 2-3 सीढ़ी से नीचे आए। फिर ईद को हमने सब शीर भेजा, मिठाई भेजी, सब मुसलमानों के घर से वापस आ गया, तो मेरे घर में कोहराम मच गया, मेरा पूरा परिवार मेरे ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन मुझे अपने पिता को लेके बाहर बहुत डर लगा रहता था, मेरे पिता को कुछ ना हो जाए, क्योंकि मेरे पिता ही एक ऐसी छत्र छाए थे मेरे ऊपर। मेरे बाबूजी ने मुझे आखिर तक सपोर्ट किया, लेकिन मैंने इस लड़ाई को भी लड़ा, मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। अब मैंने छोड़ दिया तो अब मैं डर की वजह से नहीं उड़ूंगी। लेकिन धीरे धीरे फिर मेरा काम बढ़ा, मेरी पहचान बढ़ी, सब मेरी पहचान से जाने लगे, तो मेरे भाई ने मुझे बाजी आपा कहना शुरू कर दिया, मेरे पिता तो मुझे करते ही थे प्यार, मेरे बिरादरी के लोग मेरे पास फैसले लेके आने लगे अपनी लड़कियों के मसले, मुस्लिम समाज के बहुत फैसले मैं करने लगी, मुस्लिम समाज ने मुझे स्वीकार करना शुरू कर दिया, फिर वो मिठाई भी खाने लगे, फिर मैं चाइना पिजिंग चली गई तो माला डाल के भी लाने लगे, क्योंकि जैसे जैसे मैंने तरक्की की ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग भी
तरक्की करते चले गए। मेरा दिमाग और मेरे पूरे तन और मन और सब एक बदलाव आ रहा था, मेरी एक सोच बन रही थी। अब वो सोच वहाँ आ गई कि पर्दा औरत के लिए कितनी बड़ी रुकावट है, पर्दा कहाँ से आया, पर्दा क्यों आया, पर्दा किसकी साजिश है, तो वो समझ में आने लगा। तो मुझे एक अपने किरदार के साथ बेईमानी नज़र आने लगी, तो मैंने छोड़ दिया। उसको हटाने से ही एक बहुत बड़ी आज़ादी महसूस हुई मन को, तो मेरी आवाज़ को भी एक वेग मिला और मुझे बोलने का भी एक अंदाज़ मिला। मैं क्या क्या बताऊँ, नज़ारे अच्छे लगने लगे, दृश्य अच्छे लगने लगे, दुनिया अच्छी लगने लगी, समझ में आने लगा। और वो पर्दा चेहरे पे से तो हटा ही, लेकिन मेरे दिमाग से भी हटा साथ साथ। और पर्दा जो है वो चेहरे के लिए ऊपर इसीलिए डाला जाता है ताकि इसका औरत का दिमाग ना बन जाए। वो औरत के चेहरे का पर्दा नहीं बल्कि उसकी अक्ल के ऊपर डाला हुआ एक पर्दा है। अच्छी औरत और बुरी औरत की भी दो तरह की समाज एक तुलना करता है। तुलना करता है। बुरी औरत से आप क्या समझती हैं, कौन कौन बुरी औरतें होती हैं? कोई अपना निजी मामला है, पर्सनल शादी का मामला है, उसमें अगर वो कहे कि अपने रिश्ते का चयन खुद करना चाहे, जो मन से शादी करे वो बुरी है, है? चलो हीना बताए, और कौन होती है बुरी औरत? लोग शराब वगैरह पी के घर में आते हैं और वो पिट जाए, और पिटने अगर वो विरोध कर रही है तो उसको भी बुरी कहेंगे कि जबान चला रही है अपने पति के सामने, या कुछ भी उसे मतलब इस तरह घोषित किया जाता है। विरोध विरोध करने वाली पंचायत में जो बोलना चाहे वो पंचायत में अपनी आवाज उठाना चाह रही है। परिवार में बोलने वाली को क्या कहेंगे? पति की सेवा करने वाली, उस अच्छे पति की सेवा करने वाली, जो सारे जुल्मों को सह के भी वो चुपचाप बैठे रहे उसको भी अच्छी कहेंगे, हिंसा सहने वाली, उलट के जवाब ना देने वाली वो उसे भी अच्छी कहें। समाज ने हमेशा उस अच्छी औरत को बुरा कहा है जिसने समाज में समाज की उन परंपराओं को तमाचा मारा है, या उन रूढ़िवादिताओं को पीछे धकेला है, या पितृसत्तात्मक समाज को चैलेंज किया है, उसी को बुरी औरत का नाम दिया है। तो क्या ये अच्छी औरत ये बनना चाहोगी तुम, या ये बुरी औरत बनना चाहोगी तुम? मेरा लड़का कहता मैं इतवार के दिन सफाई करती हूँ सब मिलके, गुलशन से कहती हूँ चल तू पेड़ के पत्ते गिरते आंगन में उठा झाड़ू लगा तू भी, वो कहता है रब क्या जेंडर जेंडर के, मुझसे लड़के पूछते हैं क्या होता है जेंडर, कि मैं कहता हूँ मेरी माँ तो एक जेंडर का गाना गाती रहती है जेंडर जेंडर, मेरी माँ इतवार को मुझसे झाड़ू लगवाती है। मैं कहती हूँ अपने बेटे से, सच में मैं अपने गुलशन से एक बात कहती हूँ, ना ऑफिसर बनना, ना तो कोई बड़ा बहुत बड़ा नेता बनना, ना तो कुछ मत, पर एक हिंसक पुरुष मत बनना। तो ऐसा बेटा बन जाना जो किसी के ऊपर हिंसा ना करे, चाहे वो कोई कोई पुरुष हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे तेरी बहन हो, चाहे तेरी कोई बीवी आए, और मैं माँ हूँ। बस मैं चाहती हूँ मैंने जिसके खिलाफ बिगुल बजाया, कोई मेरे बाद मरने के ये ना कहे ये उसका लड़का है, मुझे अपनी लड़कियों पे भरोसा है, पर मैं तुझ पे भी भरोसा करती हूँ, बाकी मुझे तेरे पुरुष होने पे थोड़ा शक है, इसलिए तू थोड़ा मैंने कहा संभल के रहना।
जब मुझे कोई प्यार नहीं करता तो मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसे लड़ पड़ती हूँ जैसे मैं इनके बच्चे हूँ और ये मेरे बड़े हूँ। लड़ पड़ती हूँ मैं। मैंने कहा तुम तो रो पड़ते हो, ये मेरे सामने सुना देते हो, मैं किसे सुनाने जाऊँ, तुम मुझे क्यों नहीं प्यार करते। मेरा कंधा तुम्हारे लिए है, पर मैं किसके कंधे लगूँ, मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं है, तो तुम क्यों ये मेरे हालात में समझते हो। भाई मुझे भी तो स्पेस चाहिए, मुझे भी जगह चाहिए, मुझे वो जगह कहीं और नहीं ढूंढनी है। हाँ मेरे पति का भी काम नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो अगर देखा जाए एक नारीवादी नज़रिए से तो औरत घर में रहती है, मर्द बाहर काम करता है। एक इन एक आउट, कभी वो बाहर होते तो मैं घर में होती हूँ, कभी वो घर में होते तो मैं बाहर होती हूँ, लेकिन अक्सर मैं ही बाहर होती हूँ, वो घर में रहते हैं। तो हम अगर हम उसी नज़रे से देखें तो मेरे पति मेरे बच्चों को संभाल रहे हैं, तो वो भी एक काम ही कर रहे हैं। घर में एक आदमी चाहिए, बच्चों को देखना है, काम करना है, बच्चों को भी ये चीज़ मंगा के देनी है, उनकी हिफाजत है, सुरक्षा है, अभी उनको ये चाहिए, अभी वो चाहिए, उनके पास रहना है, बहुत सारा काम होता है घर में जो एक औरत महसूस करती है। मैं तो औरत हूँ, मैं महसूस करती हूँ। वो मेरे काम को सम्मान दे, मैं उनके काम को सम्मान दे। कैसा चल रहा था पढ़े पूरे का बेटा, फिर ट्यूशन का कैसे करा करेगा, तो वहीं से वहीं जाया करेगा है। किस पे लगाया, कौन से सर पे लगाया ट्यूशन? नहीं नहीं, जो क्या फाइनल एग्जाम में थे 40 मैथ में कर ले बेटा, फिर कोशिश है। मैं नहीं पढ़ पाई, मैंने अपने बच्चियों को पढ़ाया। मेरी बड़ी लड़की ने एमए किया, मेरी दूसरी लड़की ने बीए किया, मेरी तीसरी लड़की बीए सेकंड ईयर कर रही है, मेरी दो बेटियां इंटर में हैं। इतने बच्चे होने के बाद भी मैंने चाहे उनको खाना मोटा खिला दिया होगा, नमक रोटी खिलाई होगी, लेकिन स्कूल भेजा। सरवर हुसैन, ये मुकेश तेरा नाम है? मुकेश तो इसका नाम है, इसका ऐसे भी क्या है, इसी का बिका है इसका। ये जो अंकित है सुंदर है, इनके नाम का बच गया इसके भतीजे। अच्छा सुनो, है ये कितना एक्टर जिस जितना है ये? दो बीघे बीघे नहीं है तो 420 से बेची नहीं है तो फिर ये कैसे, मतलब आप ये इसका बयान का कागज है? खैर तू अभी चिंता मत कर, ठीक है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अपने माँ से भी कहिए के फिर भाई हम भी चलेंगे और ये भी चलेंगे सोमवार, ठीक है, परेशान ना हो। ऐसा तो कोई गजब थोड़ी आ गया, कोई किसी की जमीन किसी के नाम। कभी कभी ऐसा मन होता है कि मैं बिल्कुल अकेली रहूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ रहा, तो मुझे बहुत झुंझलाहट आ जाती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इसके भी आंसू पोंछ दिए उसके, मैं सोचती हूँ लोग मुझे इतना बड़ा या इतनी उम्मीदें मुझसे क्यों रखते हैं जो मैं पूरी नहीं कर पाती, तो मुझे गुस्सा आता है। हमने अभी मैंने कागज देख लिया, ना तो तू जाने उसे ना मैं जानू उसे, कौन नाजनी ना कौन है, एक तो उसका पता करना पड़ेगा, दूसरे इसमें बड़ी सोर्स लगानी पड़ेगी और डीएम साहब के आगे एक दफे ये मामला रखना पड़ेगा, इसमें किसी का जोर लगाना पड़ेगा। उस समय देखो सुनो मेरी बात, जब सिद्धांत और रिश्ते टकराते हैं तब मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। मुझे एक ही डर रहता था कि और हमें कोई चीज़ कमज़ोर नहीं कर सकती, लेकिन मेरे भाई अगर कहीं बलात्कार करके आ गए या मेरे भाई कहीं कोई गलत काम करके आ गए तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं अपना औरत का रूप दिखा के अपने भाइयों को अंदर बंद करवाऊँगी, अगर मैं वो नहीं करूँगी तो मैं अपने सिद्धांत से डूब जाऊँगी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात ये कि एक ऐसी शमा हमारे इलाके में आंचल के नाम से जली, जो हमारे इस उपेक्षित समाज को एक राह दिखाएगी, एक ऐसा आंचल जो कल परचम बनेगा। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बीच में इस इलाके की महान आज हस्ती, जिसने जो है औरत को एक नई ऊंचाई, एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी। मेरी मुराद है रिहान आजीब से, और मैं उनके सम्मान में दो पंक्तियां जरूर कहूंगा कि वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आज हम जैसे लोगों की जरूरत है, जहाँ बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों का शोषण हो रहा है,
जहाँ ताकतवर लोग कमजोर लोगों को दबा रहे हैं, जहाँ पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को पीस रहा है, जहाँ जेंडर का मुद्दा है, जहाँ लिंग भेद का सवाल है, जहाँ औरत होने का दंश हम झेल रही हैं, जहाँ हमारा औरत ही होने की वजह से बहुत सारे अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। कोई भी हक, कोई भी चीज, कोई भी हुनर आपको घर बैठ के नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा आप जब तक उसे छीनेंगे नहीं वो आपको मिलेगा नहीं। और ये पहला मंच, पहला पड़ाव है, इसके बाद दूसरा पड़ाव जिले में होगा, तीसरा पड़ाव प्रदेश में होगा, फिर चौथा पड़ाव हमारे सेंटर पे होगा। हम भारत की नारी है, वो नई चिंगारी है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे। महिलाओं से मैं तो सबसे ही कहती हूँ, गांव से बाहर मत जाओ, तुम अपने गांव में करो, पर उस नारीवादी सोच के साथ जुड़ो, जुड़ो, कुछ करो। क्यों पिटती हो रोज, एक दिन चैलेंज भी करो, अब पिट के देखना। क्यों मरती हो भूखी रोज, एक हो के आज तेरे बराबर ही खाऊंगी, आधी अगर तू खाएगा तो आधी मैं खाऊंगी। तीन चीज अगर जिंदा नहीं रहेंगी, शांति, न्याय और प्यार, तो बहुत मुश्किल है इस दुनिया का चलना। ये तीनों हमें चाहिए और ये तीनों हमें पानी, इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ये हमें घर में भी चाहिए, ये हमें समाज में भी चाहिए, ये देश में भी चाहिए, ये दुनिया में भी चाहिए, शांति, प्यार और न्याय। और इसी की लड़ाई, मैं तो इसी की लड़ाई लड़ रही हूँ।